गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच, आपने पहले वीडियो पर मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला। एंड सेकंड ये था कि आपका सेकंड वीडियो प्री वर्कआउट मील के लिए मैंने बताया था, तो सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्री वर्कआउट मील। सो बेसिकली प्री वर्कआउट मील के अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं यूज़ करता हूँ अपना ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करता हूँ, बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी के अंदर आपका कैफीन होता है एंड कैफीन आपके वर्कआउट्स के अंदर बहुत बेनिफिट्स करता है। वर्कआउट से पहले आपकी चीज़ों को बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ अपना ओट्स, और ओट्स के अंदर बेसिकली आप 50 ग्राम ओट्स रख सकते हैं, इट्स इनफ स्टार्टिंग में, ज़्यादा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा इशू होता है। 50 ग्राम रखिए, और मैं ओट्स में यूज़ करता हूँ बेसिकली हनी हो गया आपका, हनी यूज़ करता हूँ। हनी के साथ साथ आपका ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, आप आलमंड यूज़ कर सकते हैं, वॉलनट यूज़ कर सकते हैं, किशमिश यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आलमंड करिए, थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए। साथ में मोस्ट जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ है, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है ना, वो आपका स्वीट पोटैटो। आप स्वीट पोटैटो ऐड करो। तो बेसिकली स्वीट पोटैटो क्या होता है, स्वीट पोटैटो गिव यू गुड कार्ब्स, कैलोरीज देता है, आपको वर्कआउट में हेल्प करता है। और मैं ये कहूँगा कि आप ये जो मील ले रहे हैं, एटलीस्ट आप वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटे पहले लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए और आपको वर्कआउट करने में एक अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड हो, आप एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड हो। आपको अगर एनर्जी रहेगी तो आप कहीं ना कहीं अच्छे वर्कआउट्स कर सकते हैं, अच्छा लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिफ्टिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा पहले आपने आपकी डाइट मैटर करती है कि आप क्या खा के आए हैं, क्योंकि लिफ्ट अगर आप खाली पेट करने के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। एटलीस्ट अगर आप खुद को जाएंगे, क्योंकि जो भी आप खुद को खा के जाते हैं वही चीज़ आपके वर्कआउट में हेल्प करती है, और कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड होता है जिसकी वजह से आप अच्छा लिफ्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कि अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आप उस प्लान को ना अपने माइंड में पहले ही प्लान करके चले कि आपको क्या चीज़ करना है, और हमेशा वर्कआउट करने टाइम अपने मसल्स और अपने माइंड का कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मसल और माइंड आपके वर्कआउट जो करो, आपके माइंड का कनेक्शन अगर अच्छा है ना, तो आप अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हमें हैवी लिफ्ट करना है, हमें उतना ही लिफ्ट करना है जितना हमारी बॉडी उस टाइम लिफ्ट कर सकती है। हम ये नहीं, हम मान लीजिए कि कई बार होता है कि बंदे बाबल कर लेते हैं और पूरा डाउन चले जाता है, ऐसे नहीं करना। हमें लेना है आराम से, उस चीज़ को स्मूथ करना है। आप स्मूथ, जितना स्मूथ करेंगे आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा, यू फील बेटर। कम करना है, अच्छा करना है। एंड सबसे बड़ी बात कि जो स्वीट पोटैटो होता है ना, स्वीट पोटैटो इज़ बेसिकली गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर हेयर। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप स्वीट पोटैटो खाएंगे कि इसके अंदर ज़्यादा शुगर है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्वीट पोटैटो एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसी, आप इसे गेनिंग सीरीज में यूज़ कर सकते हैं, कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। ओट्स इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, अच्छा फाइबर होता है ओट्स के अंदर, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें, बहुत इन्वेस्टमेंट करके चीज़ें मिलती नहीं है। 2 रुपये का एक ब्लैक कॉफ़ी भी पियोगे ना, वो भी आपको एक अच्छा कैफीन देगा। सॉरी फ़ोन कर गया था। तो एक जो कॉफ़ी है वो भी आपको बहुत अच्छा कैफीन देगी। तो कैफीन अगर आप बॉडी में वर्कआउट कर पीने, वर्कआउट से पहले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी वर्कआउट करने में आपको अच्छा मिलेगा। एंड मैं ये भी बोल रहा था साथ में कि बहुत अच्छी चीज़ें लाऊंगा, एक वर्ड है टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट वर्ड होता है ना गाइस, बहुत अच्छा वर्ड है, इसे अपने लाइफ में ना यूज़ ज़रूर करना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, अपने टाइम को कैसे निकालते हैं। आपको टाइम निकालना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये टाइम है, इस टाइम में वो, इस टाइम में मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ें करनी है, इस टाइम में मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ें करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो ऑलवेज फॉलो द टाइम मैनेजमेंट रूल्स, बहुत अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपके ऊपर आप उसको कैसे फॉलो करते हो। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हो ना, आपकी नींद बहुत पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रात में नाइट शिफ्ट करके और आपने सुबह बोला कि नहीं आप वर्कआउट करने चाहते, नहीं करनी, गलती है, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम तक कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं कर पाती, आप लिफ्ट नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। आप जाओगे थोड़ा बहुत करोगे, वर्कआउट करके आ जाओगे। प्लान योर वर्कआउट्स कि आपको क्या करना है, मंडे क्या करना है, ट्यूजडे क्या करना है। एक डायरी लो, डायरी के अंदर
अपनी चीज़ें लिखना स्टार्ट करो। जब ये चीज़ें लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें पता करेंगे। अपने अच्छे पॉइंट्स को लिखो, उस पॉइंट्स को यूज़ करो। अगर चीज़ें तुम्हें पता है, लोगों से मिलो, उनसे बातें करो। गाइस, दुनिया ना बहुत छोटी है, और एक चीज़ याद रखना कि आप जितना सबसे मिलोगे, अच्छी बातें करोगे, अच्छी चीज़ों पर जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हमेशा अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना, लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ मेरे को कभी बताना चाहिए किसी को, या चीज़ें उसको डायरी में लिख लो, क्योंकि अगर आप उसको लिख के चलोगे ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। एंड सेकेंड, हमेशा खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, फैमिली वालों के साथ रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, मगर खाली पेट वर्कआउट नहीं करना है। आप भले फ्रूट्स खा के जाइए, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। आपको कटिंग में अलग गोल होता है, आपको हैवी में अलग गोल होता है, आपका वेट लिफ्टिंग अलग हो जाता है। बॉडी वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, दोनों ही अलग चीज़ें हैं, दोनों को कंपेयर नहीं करना। आपको उसके हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, आपको डाइट को लेके चलना है, अपनी डाइट को मैनेज करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। तो सेकंड वीडियो प्री वर्कआउट के ऊपर थी, थोड़ा सा था। आप चाहे तो इसके अंदर ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के ऊपर आप पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं, पीनट बटर इज़ ऑल्सो गुड। सेकेंड, ओट्स के अंदर आप पीनट डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ब्राउन ब्रेड नहीं है घर में, कुछ नहीं करना, ब्रेड पड़ा है, रोटी पड़ा है, रोटी के ऊपर पीनट बटर लगाया, खाया, दैट्स गुड। कहीं ना कहीं है तो ब्रेड ही ना। तो मैं तो ज़्यादा अच्छा कहूँगा कि अगर आपके घर में रोटी है, आप रोटी के ऊपर लगा के पीनट बटर को यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ब्रेड्स। आप उसको यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो सेकेंड वीडियो थी मेरी, और फर्स्ट वीडियो में रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन पर जाके क्लिक करिए। बहुत वीडियो लेके आएंगे, जब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, घर वालों के साथ रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा वर्कआउट करिए। बाय बाय।